आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। ग्राम रक्षा दल के एक सदस्य के भरोसे रामगढ़ का क्वारंटाइन सेंटर। राज्य में कोरोना के 4 मरीज मिलने के बाद प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के मामले में किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए रामगढ़ प्रखंड प्रशासन ने प्रखंड के 25 पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर को पंचायत से हटाकर प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में 25 व्यक्ति को रखा गया है। प्रखंड प्रशासन का दावा है कि इस सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त ANM एवं डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता है। सेंटर में सैनिटाइजर एवं ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है, परंतु जब इस चैनल के रिपोर्टर के द्वारा इस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया तो ना तो यहां कोई ANM दिखी और ना ही कोई डॉक्टर। इस क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं किया गया है और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक ग्राम रक्षा दल का सदस्य की मौजूदगी की ही झलक मिली। पूरे क्वारंटाइन सेंटर को सिर्फ एक ग्राम रक्षा दल के सदस्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। बहुत ही चैलेंजिंग समय से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस से संबंधित जो भी बीमारी है पूरे राज्य में, पूरे विश्व में, और हम सभी को इसमें सतर्क रहना है। एक मुख्य चीज जो आप सभी से हमें अपील करनी है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग बनाए रखें। जब भी मतलब अगर कुछ एसेंशियल चीजें आप लेने निकल भी रहे हैं, कहीं अगर सब्जी लेने या ग्रोसरी की सामान लेने, जरूर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और आप ऐसे भी कोशिश करें कि कम से कम घर से निकले, आवश्यकता हो तभी घर से आप निकले। और इसी क्रम में आज मधुपुर फुटबॉल ग्राउंड में भी हम लोगों ने आज विजिट किया और बहुत अच्छा रेडक्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स की तरफ से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहले अग्रसेन भवन में यहाँ के चैम्बर के लोग हैं और अन्य जितने भी मधुपुर के सभी लोग हैं, उन्होंने काफी यहाँ पे हमारी मदद की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।